بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Honorable Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah Sahab Chairman Daud Hercules Group Corporation Hussain Daud Sahab हम सभी के हरदिल अजीज वाइस चांसलर एनडी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सर्वेश हशमत लोधी साहब, अभी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इन्होंने मेरे माथे पे गन रख दी, तो मैं उनसे पूछ रहा था लाइसेंस वाली थी या नहीं थी, तो और फिर मैंने कहा भाई आपने चीफ मिनिस्टर साहब पे रख दी तो बाकी हम सब कहाँ जाएंगे। मोहतरम तमाम ही असातिज़ा इकराम, आज के तमाम तलबा व तालबात जिन्हें डिग्रीज गोल्ड मेडल और असनाद मिलेंगी और उनके वालदैन, मीडिया के दोस्तों सभी को अस्सलाम वालेकुम। तकरीर तो चार पांच सफ़ों की है जो मेरे ऑफिस ने लिख कर ली है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तकरीर तो पता नहीं कब से आप और हम सुनते चले आ रहे हैं, तो तकरीर के बजाय कुछ दिल की बात कर ली जाए, तो क्या ख्याल है, तकरीर सुनाऊं या दिल की बात सुनाऊं? आवाज नहीं आ रही, क्या कर लें, दिल की बात कर लें? तो दिल की बात तो यह है कि सबसे पहले तो जोरदार तालियां अपने वालदैन के लिए जो आज भी आपके साथ आपके शाना बशाना खड़े, और आफरीन है इन वालदैन पर जिन्होंने बचपन से लेकर आज दिन तक आपका ना हाथ छोड़ा है ना साथ छोड़ा है। और फिर मैं कहूंगा कि आज जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर हशमत लोधी साहब के लिए भी होनी चाहिए कि आज का ये जबरदस्त प्रोग्राम और आप सबको यहां तक पहुंचाने में इनका और इनकी फैकल्टी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ मैं सिर्फ आपसे दो बातें करना चाहता हूं कि इरादा क्या है, करना क्या है। आपके वालदैन ने आपको यहां तक पहुंचा दिया, आपके असातिज़ा ने आपको यहां पॉलिश करके आपके हाथ में डिग्री दे दी है। मेरी तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, हमने पाकिस्तान को नहीं भूलना और अपने वालदैन को नहीं भूलना। ये दो वो चीजें हैं, मेरा मानना है कि ये आपको जिंदगी में और तरक्की के मनाजिल तय करा दें। जो लोग अपना मुल्क और अपनी सकाफत नहीं भूलते वो हमेशा जिंदा दिल रहते हैं। और जैसे कि सीएम साहब ने भी कहा कि इस मुल्क को आपकी जरूरत है और आप ही वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्हें इस मुल्क को और आपके वालदैन को आपकी जरूरत है। ये फैसला आपका है कि अब आगे कैसे चलना है, और मेरा ये मानना है कि जो इरादा किया जाए, जो सोचा जाए, उस पर सिर्फ अगर अमल हो जाए तो आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है अपने मुल्क के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। आप यकीन जानिए, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं कि जिंदगी में जो कुछ भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अगर आपको उस बात पर ये यकीन हो कि मेरा अल्लाह ताला मुझे वो जरूर देगा, तो कोई दुनिया की रुकावट आपको वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकती। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं होगा जब आप अपनी जिंदगी में वो कुछ हासिल कर लेंगे जो आपने बचपन से सोचा हुआ है या आपके माँ बाप का ख्वाब है या ख्वाहिश है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हासिल ना की जा सकती हो, दुनिया में इसमें हजारों मिसालें मौजूद हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे पाकिस्तान में और मेरे शहर के लोगों का जो टैलेंट है उसकी भी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं, अमल करना होगा। जब आप
किसी भी चीज के फैसले पर पहुंच जाए तो फिर अमल करना है। जब आप अमल करेंगे तो वो यकीनी बन जाएगी जो आपकी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला। मैं लंबी चौड़ी स्पीच नहीं करूंगा, एक शेर आपको नजर कर देता हूं और मैं समझता हूं कि अगर इसको आप समझेंगे तो यही मफहूम है जिंदगी का और आगे बढ़ने का। तो शायर कहता है कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और ये मैं सुरेश लोधी साहब की नजर कर देता हूं, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफ्ताब इसी सरजमीन से निकलेगा। ना हम सफर ना किसी हम नशीन से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी एनएडी यूनिवर्सिटी से ही निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। एक दफा हम सब जोर से कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।